अच्छा कहां तक किया हमने बैड डेट्स? लास्ट सर डिस्कशन की थी, अभी स्टार्ट करने ठीक है। अभी हमने सिर्फ डिस्कस बेसिक चीज की थी कि बैड डेट्स क्या होता है, डाउटफुल डेट्स क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे और इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो जरा डिस्कस करते हैं। हमने दो चीजें डिस्कस की थी, बैड डेट्स वो बैलेंसेस होते हैं रिसीवेबल्स के जो अनकोलेक्टेबल होते हैं, जो हमें कलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। ये बेसिकली दो रीजन की वजह से होते हैं, या वो बैंकक्रप्ट हो जाए या वो पर्सन डिसअपीयर हो जाए। अच्छा बैड डेट्स, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, इसको हम नाम देते हैं बैड डेट्स। जब भी बैड डेट्स होते हैं याद रखिएगा हमारा लॉस हो गया, ठीक है, और इस लॉस को हमने रिकॉर्ड करना है बुक्स में। जब मैं बुक में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा चूंकि लॉस हुआ है, लॉस की सूरत में बैड डेट एक्सपेंस एक अकाउंट खुलता है जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स एक्सपेंस, इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ उस कस्टमर का बैलेंस बुक से खत्म करना है, जब उसका बैलेंस बुक से खत्म करूंगा तो रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, यानी अकाउंट रिसीवेबल मेरे कम हो जाएंगे या डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे। इसकी एंट्री बन गई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स क्रेडिट, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स वो डेट्स होते हैं जो ना बैंकक्रप्ट हुए ना वो डिसअपीयर हुए लेकिन वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं और देयर माइट बी अ चांस कि शायद हमें ये अमाउंट रिकवर ना हो। मैंने एक वर्ड यूज किया, देयर माइट बी अ चांस दैट अमाउंट शुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी यहां पर आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि आप कह रहे हो कि शायद ये रकम हमें कलेक्ट ना हो, एस्टिमेट फॉर अनकोलेक्टेबल अमाउंट। जो ऊपर वाली एंट्री आपके सामने मैंने की है, वो एक्चुअल है, हो गए, यहां पर एस्टिमेट लगा रहे हो कि शायद हमें इतनी रकम कलेक्ट ना हो। अच्छा जब मैं कह रहा हूं शायद कलेक्ट ना हो, ये भी तो हो सकता है ना कलेक्ट हो जाए, तो फिर क्या मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? एक क्वेश्चन आता है, ये तो एक्चुअल है, ये तो रिकॉर्ड होने चाहिए, ये एस्टिमेटेड है, क्या मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? तो हमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रूडेंस हमें ये कहता है कि लॉसेस शैल बी रिकॉर्डेड, व्हेन अकर्ड, लॉस में उसी दिन रिकॉर्ड कर लूंगा जिस दिन अकर हो जाए। यहां अकर्ड का मीनिंग क्या है? व्हेन इट कम्स टू माय नॉलेज, जब वो मेरे नॉलेज में आ गया कि ये लॉस हो जाएगा, मुझे प्रूडेंस ये कहता है मुझे ये लॉस रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो ये चूंकि डाउटफुल डेट्स में मैं खुद कह रहा हूं कि इतनी रकम शायद मुझे रिसीव ना हो, तो लिहाजा प्रूडेंस के मुताबिक मुझे लॉस अभी रिकॉर्ड कर देना। जब लॉस रिकॉर्ड करूंगा तब भी डेबिट क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस। यहां पर भी लॉस हुआ, ये जो वाला लॉस जो है बैड डेट एक्सपेंस वाला, ये एक्चुअल लॉस है, और ये जो बैड डेट एक्सपेंस मैं डेबिट कर रहा हूं ये मेरा एक्चुअल लॉस नहीं है, ये मेरा एस्टिमेटेड लॉस है। तो लिहाजा इसके अगेंस्ट अब जब मैं क्रेडिट की तरफ आता हूं तो वहां पर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था, यानी उस कस्टमर का नाम क्रेडिट किया था, क्योंकि उससे रकम मिलनी नहीं है मुझे, लेकिन यहां पर मिल तो सकती है, उसका अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकता मैं।
उसका अकाउंट क्रेडिट करूंगा तो मतलब ये हुआ कि उसका नाम बुक से निकाल दिया, उसका नाम नहीं निकाल रहा मैं, लेकिन मैं अपनी बुक्स में प्रूडेंस के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहा हूं कि शायद ये रकम मुझे ना मिले, अगर रिकवर हो गई तो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको क्रेडिट करेंगे, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो बैड डेट एक्सपेंस और अकाउंट रिसीवेबल और बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस की एंट्री है, ये क्लियर बता रही है ये एक्चुअल है और ये एस्टिमेटेड। जो टोटल लॉस है वो मेरा बैड डेट एक्सपेंस है, ठीक है। तो बेसिकली अलाउंस अब कौन सा अकाउंट है, बाई नेचर पांच एलिमेंट हमने पढ़े हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इनमें से कौन सा एलिमेंट में फॉल करता है, ये बेसिकली कॉन्ट्रा फॉर एसेट है, यानी मेन ये एसेट के अगेंस्ट है। जब मैं इसको शो करूंगा साल के एंड पे तो मैं ये शो करूंगा ये मेरे टोटल अकाउंट रिसीवेबल है और इसमें से इतना मुझे डाउट है कि शायद मुझे कलेक्ट ना हो, चूंकि ये एसेट में से माइनस हो रहा है इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा फॉर एसेट कहते हैं। हर वो अकाउंट कॉन्ट्रा हेड ऑफ अकाउंट होता है जो किसी स्पेसिफिक अकाउंट में से माइनस हो, जैसे सेल्स रिटर्न ये कॉन्ट्रा फॉर रेवेन्यू है क्योंकि ये सेल में से माइनस होती है, परचेज रिटर्न ये एक परचेज का कॉन्ट्रा है, ठीक है। इस तरह हर वो आइटम जो किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ अकाउंट में से माइनस की जाती है उसको हम कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं। जब भी इसका क्वेश्चन आता है बैड डेट्स के, तो इसमें बेसिकली दो मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं, या तो वो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जनरल एंट्रीज पास करो, या फिर सेकंड वो ये कहेगा कि इसके लेजर्स के थ्रू लेके जाओ। ये दोनों दोनों नहीं रिक्वायर करेगा, और यानी या तो कहेगा सिंपल जर्नल एंट्री बनाओ या कहेगा कि विदाउट जर्नल एंट्री डायरेक्ट लेजर बनाओ। और जो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है वो जो आता रहा है वो लेजर्स ही है, जर्नल एंट्री एज अ क्वेश्चन उसने रिक्वायर नहीं की। हाँ अलबत्ता जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका उसमें समटाइम को एक आधी एंट्री वो आपसे रिक्वायर कर सकता है। सो ऐसी सूरत हाल में अब अगर जनरल एंट्रीज की तरफ आता हूं तो इसमें कितनी एंट्रीज आपने करनी है। सबसे पहले आपने करनी है रिकॉर्डिंग एंट्री। ये एक प्रोसेस होता है, पहले रिकॉर्डिंग एंट्री होती है, फिर एडजस्टिंग एंट्री होती है, फिर क्लोजिंग एंट्री होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंट्री किस चीज को, रिकॉर्डिंग एंट्री कौन सी है जो ड्यूरिंग द ईयर आप करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर। अब इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है इन दोनों में से जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर हो सकती है, बताइए, क्या एक्चुअल बैड डेट्स या एस्टिमेट्स? एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, जी बिल्कुल। जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो किसी वक्त भी हो सकते हैं, यानी कोर्ट का डिसीजन जुई तो नहीं कि ईयर एंड पे आए, वो किसी वक्त भी आ सकता है। जिस वक्त कोर्ट का डिसीजन आ गया मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। सो इसको हम, ये जो बैड डेट्स की एंट्री है इसको हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी कहते हैं। ये एंट्री रिकॉर्डिंग एंट्री हो, फिर पूरे साल में हो सकता है, जरूरी नहीं है एक बैड डेट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एंट्री दो मरतबा भी हो सकती है, तीन मरतबा भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ एक होती है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री वो एंट्री होती है जो साल के एंड पे करनी होती है, क्लोज एंड ऑफ द ईयर, यही वर्ड लिखे एंड ऑफ ईयर। जब साल खत्म होता है तो आप एनालिसिस करते हो, उसको एजिंग एनालिसिस कहते हैं, देखते हैं कि कौन सा कस्टमर डिले कर रहा है पेमेंट और क्यों कर रहा है, और उसके मुताबिक फिर आप एक परसेंटेज निकालते हो और कहते हो शायद 2%, 3%, 4% अमाउंट शायद हमें रिकवर ना हो। वो जो वो डाउटफुल है उसको हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री।
यानी ये जो अलाउंस की एंट्री पास करते हो आप या परमिशन की एंट्री जो पास करते हो ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो साल के एंड पर एक एंट्री और करनी है क्लोजिंग एंट्री, ये भी एंड ऑफ द ईयर होगी। अब क्लोज किसको किया जाता है, किसको क्लोज करते हैं जी? देखिए पांच एलिमेंट हैं हमारे पास, एक एमसीक्यू पिछले चैप्टर्स में मैंने दिया भी था इसके हवाले से कि किन अकाउंट को क्लोज किया जाता है, किन अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। पांच एलिमेंट आपने पढ़े हैं, एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक पीरियड के होते हैं, जैसे एक साल के, जैसे ही साल खत्म होगा इसका बैलेंस अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसको क्लोज करना है। और जो एसेट है या लाइबिलिटीज है या इक्विटी है ये इसका बैलेंस जो है वो अगले साल ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास साल के एंड पे 25,000 कैश पड़ा हुआ है तो अगले साल यही कैश आपका ओपनिंग बन जाएगा। इस साल के एंड पे अगर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है जो सेल नहीं हुई वो यकीनन अगले साल सेल होगी तो वो अगले साल ट्रांसफर होगी। तो ये जितनी भी एसेट लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी होती हैं ये क्लोज नहीं होते बल्कि ये बैलेंस होते हैं। तो ये जो क्लोजिंग एंट्री मैंने करनी है ये किसकी करनी है, ऑब्वियसली जिनको क्लोज किया जाता है, रेवेन्यू या एक्सपेंस। अब ये जो हेड मैंने यूज किए हुए हैं, ये चार हेड यूज हुए हैं, दो एंट्रीज यही इससे पहले दो एंट्रीज हैं, इनमें कौन सा ऐसा है जो क्लोज किया जाएगा, अब आप बताइए। बोले इनमें से किसको क्लोज करूं, मेरे पास तीन अकाउंट है, बैड डेट अकाउंट है, ठीक है जी, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है और अलाउंस अकाउंट, इनमें से किसको क्लोज करूं? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, और कोई स्टूडेंट? सर बैड डेट्स को। बैड डेट्स को, ठीक है, अभी मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, जरा एक मिनट ठहरिएगा, म्यूट कर रहा हूँ। स्टूडेंट तो अब देखो मैं जरा आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझा दूं, ये बैड डेट एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस अकाउंट्स, और अभी हमने पढ़ा एक्सपेंस को क्लोज किया जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल इज अ एसेट अकाउंट, एसेट क्लोज नहीं होता। अलाउंस अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा फॉर एसेट, और चूंकि कॉन्ट्रा फॉर एसेट है ये भी क्लोज नहीं होगा, सिर्फ इसमें बैड डेट क्लोज होगा। और ये क्लोज किस में होता है, जिस अकाउंट में क्लोज होता है, जितने भी क्लोज होते हैं ये क्लोज होते हैं एसओसीआई में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। तो लिहाजा इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री मैं यही लिखता हूं, तो यानी डेबिट होगा मेरा एसओसीआई और क्रेडिट होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। Excuse me, sir. जी सर ये दोबारा समझा दें क्या चीज सर, ये जो एसओसीआई को हमने डेबिट किया क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसको क्लोज करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस हमेशा क्लोज होते हैं, ये अगले साल ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। और जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस है जब क्लोज करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है किस में क्लोज करना, ऑलवेज रिमेंबर ये माइक ऑफ करो, अब तो मैं बोल दिया है। या तो सोए तो नहीं हुए हो आप लोग,
तो जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस हैं ये सारे हमारे क्लोज होते हैं एसओसीआई में। अब देखो इसकी एंट्री बनाने का सिंपल तरीका है, एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है, इसको मैंने क्लोज करना है यानी जीरो करना है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। क्या कर रहा हूं मैं, मुझे भी आप वाला असर हो गया, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया और फिर एसओसीआई डेबिट, ये एंट्री बनेगी एसओसीआई डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। पूरे चैप्टर में यही एंट्रीज होती जानी है, हर साल आप यही एंट्री करोगे। लेकिन अब सीखना क्या है इस चैप्टर में, हमें सीखना यह है कि अलाउंस कैसे निकालना है, के लेजर्स कैसे बनाने हैं, अमाउंट्स कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे। बिल्कुल स्लोली लेके चलूंगा इस चैप्टर को और इसमें शुरू में बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एक एक चीज ऐड करता जाऊंगा और इंशाल्लाह इसको एंड तक लेके जाऊंगा। ठीक है, जहां जिस क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी लेकिन ही और शी कैन डिस्कस विद मी, वो जरूर क्वेश्चन करे। लेकिन अभी पहले स्टेप पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उससे मैं जनरल एंट्रीज बनाऊँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस छोड़ के लेजर्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं पेपर में वो लेजर से रिलेटेड। ठीक है जी, अभी एक एक एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल वन, फर्स्ट जनवरी, ये पूरा डाटा नहीं लिख रहा, बस इस तरह मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। फर्स्ट जनवरी 2017 स्टार्ट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया, और इसके लिए मैं ये नहीं बता रहा अमाउंट वगैरह कितने में किया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं। ड्यूरिंग द ईयर यानी ड्यूरिंग 2017 वन कस्टमर was declared bankrupt. एक कस्टमर ऐसा है जो बैंकरप्ट हो गया है, इसको हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, फिर एंड ऑफ द ईयर आप कहते हो जी अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस आ रहा है वो मेरे पास, अच्छा इसकी अमाउंट भी लिख लो रुपीज 6,000, अब मेरे पास जो अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 150,000, और मैनेजमेंट एस्टीमेट करती है द अलाउंस शुड बी, अलाउंस शुड बी 4%। ये मेरा डाटा है, अब यही तीन एंट्रीज आपने करनी है। सबसे पहले सीक्वेंस नहीं तोड़ना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग एंट्री आएगी, देन एडजस्टिंग एंट्री आएगी और फाइनली क्लोजिंग एंट्री आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइएगा रिकॉर्डिंग एंट्री, इसमें बताइए आप लोग मुझे पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज, और आप बताइए इसमें रिकॉर्डिंग एंट्री कौन सी है। सर वन कस्टमर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, द डेट ऑन विच द कस्टमर वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। ठीक है, अब इसकी डेट नहीं दी हुई, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2017, डेट ना दी हो तो लास्ट डेट डाल दे, कोई मसला नहीं। इन क्वेश्चंस में जब डेट ना दी हो तो आप आखिरी तारीख लिख देते हैं, 31 दिसंबर 2017 तक आपका एक कस्टमर बैड डेट हुआ, और इसकी क्या एंट्री बनेगी ये तो अब आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट गिवन है 6,000 से आपने एंट्री पास की। माइक किसका ऑन है भाई, अगर क्वेश्चन करना है तो जरूर माइक ऑन करो, 10 दफा करो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वैसे ऑन कर रहे हो तो जरा केयरफुली क्योंकि आपकी डिस्टॉर्शन आती है।
ओके, उसके बाद ये तो हो गया, ये कौन सी एंट्री है? रिकॉर्डिंग। अब एडजस्टिंग एंट्री करनी है, बताइए एडजस्टिंग एंट्री किस किस चीज की करूं इस क्वेश्चन में? बोलिए। अलाउंस की। अब अलाउंस की एंट्री पास करनी है तो एंट्री पहले ही कर लेते हैं हम इसी डेट को, ये तो खूनी क्लोजिंग डेट को है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी? अलाउंस कह रहा है 4%। अब बताइएगा ये 4% किस चीज का है? एनी स्टूडेंट? सर अलाउंस रिसीवेबल का। अलाउंस का रिसीवेबल। अलाउंस 4% किस चीज का लूं? अकाउंट रिसीवेबल। हाँ, अंडरस्टूड है। देखो अलाउंस का मतलब ये है एस्टिमेटेड लॉस ऑफ डेटर्स, तो भाई डेटर्स के लोग हैं ना, तो अकाउंट रिसीवेबल है 150,000, इसका 4% लो विच इज इक्वल टू 6,000, तो 6,000 से एंट्री हो। यानी ये अब बड़ा क्लियर बता रहा है दो एंट्रीज में कि मेरा पूरे साल में जो लॉस हुआ है, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुई या नहीं होगी, वो 12,000 है, जिसमें 6,000 एक्चुअल है और 6,000 एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब इसी डेट को क्लोजिंग एंट्री करनी है। क्लोज करना है मैंने बैड डेट को, तो ये तो हो गया क्रेडिट। अब जिस अकाउंट में क्लोज करना है दैट इज SOCI, ये डेबिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, और ये अमाउंट आएगी 12,000। ठीक है जी, एंड दैट इज एंड ऑफ द क्वेश्चन। बताइए इसमें कोई मसला, कोई चीज पूछनी हो? जी, एनी क्वेश्चन? ओके, एग्जाम्पल। अब इसी क्वेश्चन को हम जरा लेजर्स के थ्रू भी करते हैं, थ्रू लेजर्स, दूसरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब एग्जामिनर कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, वो कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स। याद रखना है आपने एग्जामिनेशन पॉइंट से, एग्जामिनर अगर ये लिखता है रेलिवेंट लेजर्स बनाओ, तो मैक्सिमम 3 लेजर बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नंबर 1 अकाउंट रिसीवेबल का लेजर, नंबर 2 अलाउंस का लेजर, नंबर 3 बैड डेट्स का लेजर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब वो एग्जामिनर मुझे कहता है इस एग्जाम्पल में कि रेलिवेंट लेजर्स बनाओ, तो मैं 3 लेजर नहीं बनाऊंगा, 2 लेजर बनाऊंगा। कौन कौन सा? अलाउंस और बैड डेट। तो ये याद रखिएगा, ये तो मस्ट है। अब रह गया अकाउंट रिसीवेबल। किस क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन में हम अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल का लेजर नहीं बनाएंगे। कैसे पता लगेगा कि मुझे अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाना है या नहीं? एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल का लेजर नहीं बनाना। क्योंकि एक्चुअली लेजर क्यों बनाया जाता है? क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। समटाइम एग्जामिनर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे देता है, क्लोजिंग नहीं देता, तो ओपनिंग बैलेंस को लेकर मैं क्लोजिंग निकालूंगा, और जब क्लोजिंग निकलेगा तो अलाउंस निकल सकता है। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल का लेजर वहां बनाना है व्हेन क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा, वहां पर आप अकाउंट रिसीवेबल का लेजर लाजमन बनाओगे।
तो लिहाजा अब दोबारा आइएगा यहाँ अकाउंट रिसीवेबल का चूंकि लेजर गिवन है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी लेजर, तो अब मैं क्या करता हूँ स्ट्रेट वे ये टी अकाउंट्स बनाता हूँ दो अकाउंट्स के। सबसे पहले आप बेशक बैड डेट्स ओपन कर लो या लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले। इस क्वेश्चन में मैं बैड डेट्स पहले इसलिए ले रहा हूँ कि ये नया बिजनेस है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अगले क्वेश्चन में अलाउंस पहले ले लूंगा। अच्छा, अब आपने जब बैड डेट का लेजर बनाना है तो प्लीज एंट्रीज बेशक मेरे सामने हुई हैं, मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं ये डायरेक्ट आता हूं, डायरेक्ट लेजर बनाना ज्यादा आसान। बैड डेट इज बेसिकली अ लॉस, और लॉस भी हमने पढ़ा कि ये दो किस्म के होंगे, एक एक्चुअल लॉस और एक एस्टिमेटेड लॉस। पहले एक्चुअल लॉस इसमें से आइडेंटिफाई कर, बिकॉज दैट इज अ रिकॉर्डिंग एंट्री। एक्चुअल लॉस 6000 है, तो 31st दिसंबर 2017 को मैं 6000 की अमाउंट लिखूंगा और ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल है। और अगर इस एंट्री के थ्रू पोस्ट करना है तब भी आप पोस्ट कर सकते हो लेजर को, ये देखें अकाउंट रिसीवेबल ऑपोजिट अकाउंट आ गया। सेकंड, दूसरी एंट्री आपने करनी है एस्टिमेटेड लॉस की। एस्टिमेटेड लॉस मैंने कैलकुलेट किया था वो बनता है 6000, तो वो भी रिकॉर्ड करूंगा 6000, लेकिन उसमें ऑपोजिट अकाउंट अलाउंस आएगा। अब देखो लेजर खुद सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर मेरे पास ये एंट्रीज नहीं भी बनी हुई लेजर मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेजर ये बैड डेट का लेजर क्लियरली बता रहा है कि ये 6000 एक्चुअल है, ये 6000 एस्टिमेटेड है, जिसके साथ आपका अलाउंस लगा होगा वो नेचुरली एस्टिमेटेड है। इसलिए आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था कि लेजर इज एन एनालिटिकल बुक, कि लेजर इसलिए एनालिटिकल बुक है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो तमाम चीजों को खुद हमें हाईलाइट कर देता है। अब ये जो अमाउंट आ रही है 12000 की, अच्छा इसको बात करते हैं बस, ठीक है पहले एंट्रीज पास कर, अभी इसको स्पेस छोड़ दो। नीचे अलाउंस का लेजर ओपन कर देते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, अब वो यहीं से पोस्ट कर लूंगा मैं। कैसे? इसका ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल है, ये तो यहां नहीं आएगा, लेकिन इसका ऑपोजिट अकाउंट अलाउंस है, यहां ये डेबिट है, अलाउंस में इसको मैं क्रेडिट करूंगा। और ऑपोजिट अकाउंट अलाउंस का कौन सा होगा? बैड डेट्स बाय 6000। जब मैंने सारी एंट्री साल की पूरी कर ली, यानी रिकॉर्डिंग एंट्री भी आ गई, एडजस्टिंग एंट्री भी आ गई, अब मैंने क्लोजिंग एंट्री करनी है, क्लोज करना है। टेल मी, इन दोनों में से किसको क्लोज करूं, बैड डेट्स को या अलाउंस को? बैड डेट्स को। तो इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने का तरीका क्या? बिल्कुल वही तरीका है जैसे बैलेंस करते हो। इसका टोटल आ रहा है 12000, यही टोटल यहां लिखा, ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बैलेंस मेरा 12000 ही आ रहा है, लेकिन इसको मैं बैलेंस नहीं लिखूंगा, सिर्फ फर्क यह है इसको एसओसीआई लिखूंगा 31st दिसंबर 2017, यानी खुद ब खुद एसओसीआई में क्लोज हो गया। लेकिन अलाउंस एक ऐसा अकाउंट है जिसको बैलेंस नहीं, क्लोज नहीं करना, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस भी उसी तरीके से होना है जैसे क्लोज किया, सिर्फ फर्क यह है वहां एसओसीआई लिखा है, यहां एसओसीआई नहीं लिखूंगा। 6000 रुपीज बैलेंस आ रहा है 31st दिसंबर 2017 को, और यही 6000 मेरा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक हो गया? अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई मसला? लेजर मैंने आपके सामने बना दिए, ओके। इसी से नीचे दूसरी एग्जांपल ले, एग्जांपल टू, और ये जो एग्जांपल टू है इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जांपल वन। Continued from E01, example 1.
ठीक है जी। अब मैं यहां कहता हूं कि ड्यूरिंग द ईयर, अब 2018 लूंगा, ड्यूरिंग 2018 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अब मैंने वर्ड चेंज कर दिया, रुपीज 3000 और 31 दिसंबर 2018 को मेरा अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो 140,000 है और अलाउंस आपने 4% ही क्रिएट करना है। तो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, सेम। देखो यहां मैंने लिखा वन कस्टमर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यहां लिख दिया बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो एक ही चीज है। यहां लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अलाउंस और अलाउंस, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक तो अमाउंट्स चेंज होंगी। हाँ, एक थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, वो जरा आगे जाके देखते हैं। तो पहले तो एंट्रीज बना लें, जनरल एंट्रीज जब बनाऊंगा तो पहली एंट्री क्या बनेगी, 31 दिसंबर 2018 को बोलिएगा क्या एंट्री पास करो, जी एक्सपेंस, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 3000 से, और क्रेडिट क्या करूं, अकाउंट रिसीवेबल, गुड, अकाउंट रिसीवेबल 3000 से माइनस कर दिया, ये पहली एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री मैं यहां ले आ रहा हूं, ये एंट्री नंबर वन। दूसरी एंट्री मैंने क्या करनी है, किस चीज की करनी है, अलाउंस, अलाउंस कितने अमाउंट से करूं, सर 4% किसका 4%, 1,40,000 जी, 140,000। ये बड़ा जरूरी है आप लोगों का पार्टिसिपेट करना, तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो। 140,000 रिसीवेबल पिछले साल की तरफ आइए, हमने क्या किया था, 150,000 का 4% लिया था, तो आंसर आया था 6,000, हमने 6,000 से एंट्री पास कर दी। अब भी अगर वैसे कैलकुलेशन करूं, 140,000 का 4% 5,600, अब इससे एंट्री पास कर दूं, अगर इससे एंट्री पास कर दूं तो इससे एंट्री पास करूंगा तो गलत हो जाएगा, इसको 140 ना कीजिएगा, इसको 160 कर लें, चेंज कर लें, 160,000 का 4% लूंगा तो 6,400 आ रहा है, अगर मैं 6,400 से एंट्री पास करूंगा तो ये गलत, क्यों, इसलिए कि ये पहला साल था और पहले साल में ओपनिंग अलाउंस नहीं था, जबकि ये अब सब्सिक्वेंट ईयर है, इस साल में पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था अलाउंस का, ये देखिएगा 6,000, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। अगर मैं 6,400 से एंट्री रिकॉर्ड करता हूं तो इसका मतलब लॉस डुप्लीकेट हो गया, दो मर्तबा रिकॉर्ड हो गया, इसलिए जब भी आपने एंट्री करनी है उससे पहले एक छोटी सी वर्किंग बनानी, और वर्किंग क्या है कि मैं न्यू अलाउंस निकालता हूं, मेरा नया अलाउंस कितना है, नया अलाउंस कैसे निकालूंगा, वही उसी तरह 160,000 का 4%, 160,000 का 4% कितना आएगा, 6,400, इसमें से ओल्ड अलाउंस लेस कर दो, ओल्ड अलाउंस वो अलाउंस है जो पिछले साल आपने रिकॉर्ड किया था, वो इसका ओपनिंग बैलेंस है, और पिछले साल का अलाउंस 6,000 था, यानी आप कह रहे हो आज तक का लॉस मेरा 6,400 है, जिसमें 6,400 का लॉस मैं पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो अब मजीद लॉस कितना आ रहा है 400, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन या इंक्रीज इन अलाउंस, यानी मुझे अब 6,400 से एंट्री नहीं करनी, मुझे एंट्री करनी है सिर्फ 400 रुपीज से, और एंट्री वही होगी
तो दूसरी एंट्री मैं यहां लाता हूं अलाउंस की, और अलाउंस की एंट्री क्या होगी 31 दिसंबर 2018 को। अब मैं लॉस 6400 नहीं कहूंगा, मैं लॉस कहूंगा 400 का हुआ एस्टिमेटेड लॉस। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस क्रेडिट 400, और अगर पिछले साल की कैलकुलेशन को देखो तो पिछले साल की कैलकुलेशन भी ऐसे ही थी। कैसे, जरा पिछले साल की कैलकुलेशन यहां शो कर रहा हूं। आपने न्यू अलाउंस निकाला, न्यू अलाउंस निकला 150,000 का 4% 6,000, और ओल्ड अलाउंस है ही नहीं था, जीरो। इसलिए ये हमने इसको माइनस करने की जहमत नहीं की, तो हमने यही अमाउंट उठा ली। क्यों? क्योंकि पहला साल का। लेकिन असल में ये तरीका आपने हर क्वेश्चन में लगाना है, पहले इस साल का अलाउंस निकालना है। जो अलाउंस निकालोगे उसमें से जो पहले अलाउंस आपका बैलेंस आ रहा है वो माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उससे एंट्री पास करोगे। अब देखो ये इंक्रीज इन अलाउंस, अलाउंस इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन अलाउंस की वही एंट्री मैंने पास की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। ठीक है, तीसरी एंट्री क्लोजिंग एंट्री। आप बताइएगा क्लोजिंग एंट्री किसकी करूं? बैड डेट, बैड डेट्स को, और एंट्री वही है एसओसीआई डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बैड डेट्स कितने से क्लोज करूं, कितनी अमाउंट से क्लोज करूं? देखो ये बैड डेट्स थे 3000 के, ये बैड डेट्स है डेबिट 400 के, तो टोटल बैड डेट्स हो गए 3400। ये 3400 से हम एंट्री पास करें, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जरा लेजर्स के थ्रू भी लेके चलते हैं, और इससे आगे जितनी एग्जांपल मैंने करवानी है वो रखना ही थ्रू लेजर्स है। तो अब आइएगा अलाउंस, पहले अब मैं पहले अलाउंस का लेजर बोलता हूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसका ओपनिंग बैलेंस भी है। जब साल शुरू होगा तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस लेकर आना है। ये जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। बताइए ये ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड जी। 1 जनवरी 2018 को मैं बैलेंस लिख देता हूं ब्रॉड डाउन, और बैलेंस कितना है, बैलेंस है हमारे पास 6000। अच्छा सर, अब आप बैड जी सर ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया, एक्सप्लेन कर दें जी सर, ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे कैसे आया, एक्सप्लेन कर दें प्लीज जी। बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो अगर क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये डेबिट तो नहीं है ना, ये क्रेडिट है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लेजर्स में। तो अगर बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो डेबिट साइड पे आएगा बीडी, बीडी ओपनिंग बैलेंस होता है ना इस वजह से। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया है कि लेजर वाला पोर्शन रिपीट कर दें, तो ये मैं अब करूंगा तो एक दफा फिर रिवाइज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो सर जरूर पूछिएगा, अदरवाइज लिखा हुआ है मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर। अच्छा अब बैड डेट्स की तरफ आते हैं, बैड डेट्स की तरफ देखो इसमें तरतीब याद रखनी है, सब इसमें तरतीब से करोगे कभी मसला नहीं होगा। लेजर में एंट्रीज को नहीं देखना, सबसे पहला स्टेप राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, लिखते जाओ राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट, जो मैं लिख चुका हूं। ठीक है, और अलाउंस हमेशा होता ही क्रेडिट है, ये डेबिट नहीं होगा बैलेंस। क्यों? ये कॉन्ट्रा फॉर एसेट है, एसेट डेबिट होता है, उसका कॉन्ट्रा हमेशा क्रेडिट ही होगा। नंबर टू, आप रिकॉर्ड एक्चुअल बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स कौन से होते हैं, जो राइट ऑफ हो चुके हैं। यहां एक्चुअल बैड डेट्स कौन से हैं, 3000,
इसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो किस लेजर में आएगा, बैड डेट्स के। तो बैड डेट्स की डेबिट साइड पे लिखता हूं 31 दिसंबर 2018। ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, और अमाउंट आएगी 3000। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है जी। तीसरा स्टेप, कैलकुलेट द अलाउंस क्लोजिंग बैलेंस। लेजर के हवाले से मुझे ये वर्किंग नहीं चाहिए, लेजर के हवाले से सिर्फ मुझे ये चाहिए, ओपनिंग अलाउंस की जरूरत ही नहीं है मुझे, वो खुद निकाल देगा लेजर। मुझे तीसरा स्टेप, कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। अब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, 160,000 का 4%, और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे लिखा जाना है अलाउंस की, डेबिट साइड पे। होता क्रेडिट बैलेंस है लेकिन क्लोज ऑपोजिट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस सीडी जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 6400। अब बताओ ये तीन स्टेप समझ आए या नहीं। पहले वाला लेजर को छोड़ दो, क्योंकि वो और तरीके से किया था, उसकी जरूरत नहीं है, पेपर में वो नहीं आना। अगर समझाने के लिए हमेशा आगे से यही चलना है हर क्वेश्चन में। पहला स्टेप, रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। सेकंड स्टेप, रिकॉर्ड एक्चुअल बैड डेट्स। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस एंड पुट इन द अलाउंस लेजर। तीन स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप खुद बहुत होगा। फोर्थ स्टेप ये है कि अलाउंस को बैलेंस करो, क्या ये टैली है, ये टैली नहीं हो रहा। देखो इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है 6400, और ये इसकी डेबिट साइड है 6000, तो डिफरेंस कितना आया 400 का। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आप ट्रांसफर कर दोगे बैड डेट एक्सपेंस को, बैड डेट को इसको, यानी ये आपने ट्रांसफर करने हैं किसको, बैड डेट को। ये बैलेंस अमाउंट है, ये यहां मैंने क्रेडिट किए, तो किस अकाउंट में जाएगा ये, बैड डेट्स में, और बैड डेट की किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे, अगेंस्ट अलाउंस 400। अब देख लो बैड डेट्स में फिर वही चीज खुद बहुत निकल आई, ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं और ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं, ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं, ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं, और ये खुद बहुत इंक्रीज इन अलाउंसों से निकाल दिया। मुझे इस वर्किंग में ये कैलकुलेट करने की कतन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब बैड डेट को आखिरी स्टेप, फिफ्थ स्टेप, क्लोज द बैड डेट्स। अब जब बैड डेट्स को क्लोज करूंगा, अब एंट्री नहीं भी समझ आ रही तब भी ये हो जाएगा। ये डेबिट साइड पे 3400, ये 3400, और ये 3400 मैं यहां पर इसको क्लोज कर दूंगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा SOCI। और ये असल में ये आंसर होता है क्वेश्चन का, ये जो SOCI में जो अमाउंट जाती है यही मेरा एक्चुअल आंसर होता है। सो टेल मी इट्स ओके सर, एक दफा प्लीज रिपीट कर दें स्टार्ट से। क्या चीज रिपीट कर दूं जी? सॉरी, स्टार्ट से लेजर जो बनाया है। लेजर जो मैंने इस साल के बनाए हैं, मैंने पांच स्टेप्स आपको बताए हैं, उसको जरा फॉलो कीजिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, पहला स्टेप तो ये है कि रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट, या ब्रॉड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये नंबर वन आ गया, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। नंबर टू, रिकॉर्ड एक्चुअल बैड डेट्स। अब एक्चुअल बैड डेट्स 3000 और ये लॉस है, और ये जाएगा बैड डेट एक्सपेंस में। ये देखिएगा, ये दूसरी ट्रांजैक्शन आ गई, और इसका ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल लिखना है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल है। ये दो हो गई। तीसरा स्टेप ये है कि आप अलाउंस कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस एंड रिकॉर्ड। मैं क्लोजिंग बैलेंस अलाउंस का निकालता हूँ 160,000 का 4%,
160,000 का 4% 6400 आया, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दी। ये तीन स्टेप हो। फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट द बैड डेट्स फ्रॉम अलाउंस अकाउंट। कैलकुलेट द बैड डेट्स फ्रॉम अलाउंस अकाउंट। भाई अलाउंस अकाउंट से बैड डेट कैसे निकलेंगे, इसका डिफरेंस देखो, इस ये लेजर इक्वल नहीं आएगा। इसको जैसे बैलेंस करते हो, बैलेंस निकालो, जो बैलेंस आएगा वो बैड डेट्स है, और ये चूंकि क्रेडिट साइड पे यहां आ रहा है तो ये बैड डेट्स की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये फोर्थ स्टेप है, ये असल में एग्जैक्टली अमाउंट वही यहां ट्रांसफर कर। और पांचवा स्टेप तो बहुत ईजी है कि बैड डेट एक्सपेंस को क्लोज कर दो एसओ सी आई। जितना भी बैड डेट्स है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। ओके, इससे अगली एग्जांपल, ठीक हो, इससे अगली एग्जांपल, एग्जांपल थ्री। अब आपने लेजर बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज नहीं करने। एग्जाम्पल थ्री अगेन कंटिन्यूड फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर टू। मैं लिखता हूं जी ड्यूरिंग द ईयर, जो बैड डेट्स हुए हैं रिटर्न ऑफ ये 2100 है। अकाउंट्स रिसीवेबल का जो बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर 2019 को वो हमारा 148,000 है, और अलाउंस जो है वो मेरा 4% है। अब भी डेटा देखो सेम है। एक दफा फिर लेजर्स आपको रिपीट हो जाएंगे इस एग्जांपल में। जी सबसे पहले वही मैंने जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, तीन लेजर मैक्सिमम बन सकते हैं। अब आप लोग बताइए इस एग्जांपल में तीन लेजर बनाऊं या दो लेजर बनाऊं? दो लेजर। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, वो आगे जाके मैं करवाऊंगा वो भी, लेकिन अभी तक मैं नहीं बना रहा। अब सबसे पहले अलाउंस अकाउंट ओपन कर लो। पहला स्टेप क्या था, अब आप बोलिएगा और मैं रिकॉर्ड करूंगा। बोले पहला स्टेप क्या था? बैलेंस ऑफ अलाउंस। जी रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। अब ओपनिंग बैलेंस वो है जो एग्जांपल टू का क्लोजिंग बैलेंस है। एग्जांपल टू का क्लोजिंग बैलेंस ये आपके सामने है 6400, यही इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2019। बैलेंस बीटी 6400, ये पहला स्टेप हो गया। अगला लेजर भी ओपन कर लो साथ ही। दूसरा स्टेप बोलिए, दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था हमने, क्या रिकॉर्ड करना है? एक्चुअल बैड डेट्स। और एक्चुअल बैड डेट्स हुए हैं 2100 के, और ये 2100 आपके बैड डेट्स की डेबिट साइड पर आएगा 31 दिसंबर 2019, और ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल 2100। ये ले जी, ये भी रिकॉर्ड हो गया। तीसरा स्टेप बोलिए, कैलकुलेट अलाउंस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब कैलकुलेट करूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस यहां से निकलेगा, 148,000 का 4% लीजिए कितना आया, 148,000 का 4% 5920। जी कितना आ रहा है? 5920। एक बच्चा बोले ना,
5920 आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है 5920 ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस अलाउंस की किस साइड पे आएगा डेबिट साइड पर जी बैलेंस कैरी डाउन ये तीसरा स्टेप हो गया अब फोर्थ स्टेप ये है कि मैंने अलाउंस को का डिफरेंस निकालना है और बैड डेट्स को ट्रांसफर करना है अब आप देखोगे इस लेजर में डेबिट साइड ज्यादा नहीं है क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मैं यहां क्रेडिट साइड लिखता हूं 64 इसको पहले टोटल करूंगा 6400 यहां पर भी 6400 अब 6400 में से 5920 लेस कर दो तो 480 की अमाउंट आ रही है ये 480 की अमाउंट मैं इधर लिखूंगा बैड डेट्स ये बैड डेट्स को ट्रांसफर करनी है पिछले एग्जांपल में बैड डेट्स क्रेडिट साइड में लिखा आ रहा था यहां बैड डेट्स डेबिट साइड में लिखा आ रहा है तो इसमें खुद बहुत कैलकुलेट करेगा दिस इज डिक्रीज इन अलाउंस ठीक है और ये अमाउंट अब बैड डेट्स की किस साइड पे जाएगी बोलिए क्रेडिट अब यहां 31 दिसंबर 2019 को ऑपोजिट अकाउंट में अलाउंस लिख दूंगा 480 ये अमाउंट एग्जैक्टली वही आ रही है जो यहां से ला रहा हूं और आखिरी स्टेप बैड डेट्स को क्लोज कर दो तो 2100 को ये टोटल किया 2100 में से 480 माइनस कर दिए 1620 का बैलेंस आया ये बैलेंस को मैं ट्रांसफर कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड दैट इज माय आंसर ये याद रखना है कि ये अमाउंट जो होती है ये फाइनल आंसर होता है ठीक है अब आपने दो काम करने हैं घर में तीन काम करने हैं एक तो ऑब्वियसली जो एमसीक्यूज भेजे हैं वो आपने करके भेजने हैं दूसरा आपने ये जितना हिस्सा मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छी तरह दोबारा से खुद करें तीसरा और आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट होमवर्क है ये जो एग्जांपल थ्री है ये मैंने डायरेक्ट लेजर बनाए हैं इसकी जनरल एंट्रीज नहीं बनाई अब आप इसकी जनरल एंट्री बनाओगे और जनरल एंट्री बनाने के बाद आप करके तो सर उस्मान जो है उनको आप ये एंट्रीज भेजो चेक करवा लो कि ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो ठीक है ऐसा ही जोर लगा और इंशाल्लाह 7 को हमारा ओपन हो जाएगा कॉलेज सारे के सारे क्लासेस इंशाल्लाह फिर अल्लाह मेजर करेगा जो प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस करेंगे एक्सक्यूज मी सर